में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर इसी तरह से चलता रहा तो 2050 तक हमारे देश में कुछ लोग बचेंगे। इसलिए घर पर रहे, सुरक्षित रहे और कोरोना से डरे। सावधान, अब दुनिया में केवल 100 ही लोग बचे हैं और भारत में केवल 10। ओ शिट यार। हाय, मैं हूँ आपका वर्चुअल रोबोट। आप मुझसे जब चाहे कुछ भी काम करवा सकते हैं। ओके, आप मेरा ऑक्सीजन लेवल चेक करके दीजिए। ओके, ऑक्सीजन लेवल चेकिंग, प्लीज वेट फॉर रिजल्ट। Here is the report. आपका ऑक्सीजन लेवल अभी काफी अच्छा है, डोंट टेक टेंशन। ओके। अच्छा, आपको मैं बता दूं, ये कोरोना की आखिरी लहर है। अगर इससे बच गए तो समझो बच गए। हाँ, पर इससे ही तो बचना बहुत कठिन है। डोंट वरी, जब तक मैं आपके साथ हूँ आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अच्छा, क्या तुम कोरोना के बारे में सब कुछ जानते हो? हाँ, यही कि ये वायरस 2019 से चला आ रहा है और इस वायरस ने कई लोगों की जान ली है, क्योंकि इस वायरस से बचने का तरीका बहुत कठिन था। नहीं, बिल्कुल नहीं, इस वायरस से बचने का तरीका तो बहुत आसान था। अच्छा, आसान था? हाँ। क्या था वो तरीका? सिर्फ मास्क पहनना था और घर में बैठना था। पर मानव जाति से इतना भी नहीं हो पाया। उन्होंने कोरोना को काफ़ी हल्के में ले लिया था और इस पृथ्वी को भी बहुत नुकसान पहुंचाया है। मानव जाति ने इस पृथ्वी को अपना समझ लिया था, पर उन्होंने ये नहीं समझा कि ये पृथ्वी हमारी नहीं है, हम इस पृथ्वी के हैं और ये पृथ्वी सबको अपनाना चाहती है, पर मानव जाति इसको दफनाना चाहती है, दूसरी प्रजाति को खाकर जिंदा रहना चाहती है। हम मानव जाति इतने अभिमानी कैसे हो सकते हैं? हम यह भूल गए थे कि पृथ्वी सदा शक्तिशाली थी और हमेशा ही रहेगी। अगर हम इस पृथ्वी की सीमा को लांघते हैं तो यह पृथ्वी अपनी सतह से सदैव के लिए हमें मिटा देगी। और बिल्कुल पृथ्वी ने ऐसा ही किया, तभी तो आज पृथ्वी पर सिर्फ 100 लोग ही जिंदा है। अगर तब हम यह सब नहीं करते तो शायद आज हमारी पृथ्वी हरी भरी रहती और आज मानव जीवन खुशहाल रहता। Thank you.